दोस्तों, आज का जो यह वीडियो है वह बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के ऊपर होने वाला है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बोर्ड के डिटेल के बारे में बना रखा है। उसके बाद जैसे ही मैंने इस वीडियो को बनाया है, उस वीडियो के कमेंट में मुझे 3 कमेंट ऐसे आए हैं जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाने का सोचा है, और वो क्वेरी जो है वो कॉमन है, कॉमनली मुझसे पूछे जा रहे हैं आइदर कमेंट्स में या फिर फ़ोन कॉल्स पे। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि वो कौन से कमेंट्स हैं। सबसे पहला जो बच्चे के मन में क्वेरी है, जो कमेंट के माध्यम से मेरे पास आया है, कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन जो है वो AIU यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत नहीं है। दूसरा क्वेरी जो कमेंट के माध्यम से मेरे पास आया है वो यह है कि जब बच्चे SSC यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो उसमें इस बोर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तीसरा और आखिरी जो मैं क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो में, वो यह है कि जब बच्चे इस बोर्ड के माध्यम से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें ट्रबल आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, वहाँ के अधिकारी इसे एक्सेप्ट करने में मना कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में भी ये तीनों क्वेरी है बोर्ड के बारे में, और अगर आप इन तीनों सवाल का जवाब चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहें। मैं एंड तक तीनों सवाल का जो जवाब है वो विद प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, और पूरा से पूरा मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो मन में डाउट है वो मैं क्लियर कर दूँ। तो भाई दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडुस्फेयर एडमिशन लैब। दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं तीनों सवाल जो आपके तरफ से आए हैं। उसमें पहला सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूँ कि हमारा जो बोर्ड है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमारा जो बोर्ड है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। ये उनका लेटर है, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है, जो कि आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर के चेक कर सकते हैं। इनका जो डिटेल है वो मेंशनड है यहाँ पर कि आप किस डेट को ये अप्लाई किया गया था और किस डेट को इसे एफिलिएटेड कर दिया गया, रिकमेंडेड कर दिया गया। तो आप इनके वेबसाइट पे जाइए और रिकॉग्निशन एंड अप्रूवल के अंतर्गत जो टैब है उस पर क्लिक करिए और वहाँ जाकर के चेक करिए कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं। इसके बावजूद जिस भाई ने हमारे कमेंट बॉक्स में लिखा है कि उन्होंने RTI किया है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने RTI किया है और उसका जवाब बोर्ड की तरफ से आया है तो प्लीज़ आप इसे आइदर मुझे मेल करें या फिर आप इसे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि उसके बिहाफ पे मैं बोर्ड से बात कर सकता हूँ। क्योंकि जब मैंने रिसर्च किया और मैंने जब मेल किया तो उन्होंने ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मुझे सेंड किया है, जिससे प्रमाणित होता है कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन जो है वो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। दोस्तों, अब चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर और जानते हैं कि पासपोर्ट अप्लाई करने में यह बोर्ड जो है वो हमें हेल्प करेगा या नहीं, यानी कि बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के आधार पर हम पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर आप इससे 10th या 12th किए हैं तो जो बोर्ड है, जब भी कोई बोर्ड फॉर्म किया जाता है तो उन्हें रिकॉग्निशन के लिए इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड के वेबसाइट पे जा करके इन्हें अप्लाई करना पड़ता है, और वहाँ से जब ग्रांट मिलता है तभी जो बोर्ड होता है वो वैलिड होता है अप्लाई करने के। तो जब मैंने मेल किया था, जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने आपका भी रिसर्च किया है और उन्होंने उसका भी लेटर मुझे सेंड किया है, और इसमें मेंशनड है कि जो बोर्ड है वो पासपोर्ट के लिए वैलिड है, और इसके बावजूद अगर आपको पासपोर्ट अप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ जो अधिकारी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर रहे हैं उनसे आप रिटर्न में लें, और रिटर्न में ले करके आप मुझे आइदर मेल करें या व्हाट्सएप के माध्यम से वो PDF सेंड करें, ताकि मैं बोर्ड से कनेक्ट करके आपको पासपोर्ट अप्लाई करने में हेल्प करूँ, या फिर जितना हो सकता है मैं आपकी हेल्प करने का कोशिश करूँगा। और अगर लिटरली आपको प्रॉब्लम हो रहा है और जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, देन बोर्ड इज़ ऑलवेज विथ यू। बोर्ड के पूरे मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे और मैं पर्सनली आपका हेल्प करूँगा पासपोर्ट को अप्लाई करने में। तो भाई, अगर आपने अप्लाई किया है और वो लोग मना कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प लें। मेरा जो नंबर है वो स्क्रीन पर आ रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं भरसक प्रयास करूँगा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने का। अब दोस्तों, चलते हैं अपने आखिरी सवाल की ओर। आखिरी सवाल जो है वो है कि SSC का जब बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो
जो ऑप्शन है वो ऑप्शन में बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन नहीं आ रहा। हाँ जी दोस्तों, ये जो आपका कमेंट है वो पूर्णतः जेन्युइन है। मैंने भी चेक किया है कि जब एसएससी का फॉर्म भरा जा रहा है तो वहाँ पे इस बोर्ड का ऑप्शन नहीं है। और उसका जवाब मैं यही देना चाहता हूँ कि चूँकि ये जो बोर्ड है वो नई है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो अभी वहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने इसके रिगार्डिंग बोर्ड से बात की है और वो लोग इसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे जवाब ये दिया है कि प्रोबेबली नेक्स्ट जो एसएससी का फॉर्म फिलअप किया जाएगा उसमें यह बोर्ड को शामिल कर दिया जाएगा और आपको यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए ओपन स्कूलिंग, डिस्टेंस लर्निंग या फिर आप किसी भी प्रकार का ऑनलाइन एजुकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और मैक्स टू मैक्स बच्चों के भी शेयर करें ताकि जो बच्चे नीडी हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। और इसके अलावा अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको लग रहा है और कोई ऐसा पार्ट जो आपको लगता है कि उस पर वीडियो बनाना चाहिए मुझे, तो आप मेरे कमेंट में आकर के मेंशन कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूं, मैं पर्सनली पढ़ता हूं और उस पर मैं रिसर्च करके वीडियोज़ आपके तक लाने का पूरा पूरा कोशिश करता हूं। और जो मेरा रिसर्च होता है वो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, वो एक ग्राउंड लेवल से लेकर के ऑफिशियल लेवल तक होता है। तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, कमेंट्स में लिखें, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।